Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी agriculture optional answer writing practice series है उसके next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is, explain the quality seed production technology in maize. ठीक है, जो how to produce quality seed in maize, तो ये question है. And this question was asked by student. एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है. एंड दिस क्वेश्चन हैड कम इन, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका यूपीपीएससी के एग्जाम्स में. थिंक यूपीपीएससी के कोई एग्रीकल्चर सर्विसेज के एग्जाम थी उसमें ये क्वेश्चन आ चुकी है. और ऐसे क्वेश्चन अगर मुझे याद है तो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द क्रॉप की कौन सा क्रॉप का उन्होंने पूछा था, पर यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है. दैट एक्सप्लेन द क्वालिटी सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द क्रॉप एग्जैक्टली कि किस क्रॉप का पूछा गया था, पर ये आ चुका है. So it's become important for us. और इसमें crops तो ठीक है, we know that crops पूछे जाएंगे, पर एक overall approach बता दूंगा मैं कि किस तरह से आप इस question को approach कर सकते हो. अगर मान के चलो आपको crop यहाँ maize की जगह wheat दे दिया गया हो या उसके जगह rice दे दिया गया हो, तो फिर भी आप कॉमन एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं. जब भी क्वालिटी सीड प्रोडक्शन आए तो कुछ कॉमन पॉइंट है जिसको आपको सब में लिखना है, उससे एक आपको एक आइडिया हो जाएगी कि हाउ टू अप्रोच these types of answers. तो first of all आपको समझना होगा what is quality seed. एक quality seed आखिर होता क्या है? एक quality seed वो है that is genetic and physically pure, जिसकी की genetic और physical purity जो है that is good. Generally हम लोग ऐसे certified seed में ये मानते हैं कि it should be more than 98%. Okay. 98% से अधिक होना चाहिए. एनी प्योरिटी ऑफ सीड लेस देन 98% जनरली वी डोंट कंसीडर. ठीक है, उसको हम लोग द बेस्ट क्वालिटी सीड नहीं मानते. अगर बेस्ट क्वालिटी सीड देखना आपको तो 98% से उसके अधिक होनी चाहिए इस फिजिकल प्योरिटी एंड जेनेटिक प्योरिटी. जेनेटिक प्योरिटी तो जनरली 99% या अराउंड 100% रखने की कोशिश करते हैं, पर ओवरऑल अगर 98% से ऊपर है तो कंसिडर्ड ए गुड क्वालिटी सीड. तो इट इज क्वालिटी सीड. अब देखिए प्रोडक्शन के टाइम में एक क्वालिटी सीड क्यों प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये चीज समझिए आप. व्हाई क्वालिटी सीड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम. उसका सबसे बड़ा रीजन है मिक्सचर्स. दैट इज मिक्सचर, दैट इज कि मान के चलो हमारा नॉर्मल क्रॉप है, ये क्वालिटी सीड प्रोड्यूस कर रहा है. इसमें हो सकता है किसी और मेज वैरायटी से क्रॉस पोलिनेशन हो गया, हो सकता है कुछ वीड वगैरह सब इसमें क्रॉस पोलिनेशन कर पाए, या फिर नहीं भी कर पाए तो जब सीड का हार्वेस्ट कर गया तो गलती से ये वीड सीड में हार्वेस्ट कर गया, उसमें वो मिक्स हो गया. तो मिक्सर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज मैकेनिकल मिक्सर हो चाहे वो नॉर्मल मिक्सर हो, जिससे कि इसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है. अब ये मिक्सर्स कहाँ से आते हैं? इट कम्स फ्रॉम वीड्स ऑफ टाइप्स या फिर अदर वैरायटीज नियर बाय. तो इन सबसे जो है ये क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन जब भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने फील्ड में तो उसमें मिक्सर्स होने का डाउट रहता है, और जब मिक्सर्स होता है तो सीड की क्वालिटी कम हो जाती है, इसकी फिजिकल प्योरिटी लोअर हो जाती है. ठीक है, सो दैट व्हाट क्रिएट्स द प्रॉब्लम. तो इसमें हमें क्या करना है, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन जब भी हमें करना है तो हमें ध्यान रखना है कि ये मिक्सर्स जो भी चीज हमारे सीड की क्वालिटी को लो कर रही है उससे हमें बचना है. ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैज मैंने लिख के चला, पर जो ओवरऑल मेरा टेक्नोलॉजी सॉरी जो ओवरऑल मेरा आंसर रहेगा वो रहेगा किसी भी आप सीड को किस तरह से अप्रोच कर सकते हो. स्टूडेंट ने भी आपने जो पूछा था उसने लिखा था सर कोई भी सीड की बता दो, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन चाहे मेज बता दो चाहे वीट बता दो, पर उसने मेज मेंशन किया हुआ था तो मैंने कहा चलो मेज को लेकर ही समझा देते हैं ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ आंसर. तो ये चीज थी, आप इसको चाहे हो तो इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा यूज कर सकते हो कि कैसे क्वालिटी सीड्स नहीं प्रोड्यूस हो पाती है, वाई द सीड क्वालिटी गेट्स डिक्रीज. अब कैसे हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कि हर एक क्रॉप में ध्यान रखना है, स्पेशली आपको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्रॉप वाइज मेंशन कर देना, बट जो बेसिक चीजें हैं वो हर एक क्रॉप में आपको ध्यान रखना है. तो आता है दिस टेक्निक्स. फर्स्ट वन इज आइसोलेशन. जो भी ऑफ टाइप्स हैं, जो भी अदर चीज हैं जिससे कि मिक्सर्स होने के चांसेस हैं, उससे हम लोग अपने क्रॉप को आइसोलेट कर लेंगे जिसमें हम लोग क्वालिटी सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब देखो आइसोलेशन दो तीन टाइप के होते हैं, बाई स्पेस आइसोलेशन, जैसे कि मेज में हम लोग मानते हैं कि जो भी हमारा मेज का फील्ड जो भी क्वालिटी सीड प्रोड्यूस कर रहा है उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस एटलीस्ट 200 to 300 मीटर्स होना चाहिए. मान के चलो यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेज ऑफ फील्ड्स हैं,
ठीक है, ग्रुप ऑफ फील्ड ऑफ मेज है, बहुत सारे मेज के फील्ड है, तो मैं ध्यान रखना है कि मान के चलो इस फील्ड में हम लोग क्वालिटी सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे और अदर मेज के फील्ड जो है वो एटलीस्ट 200 to 300 मीटर अवे रहे, ताकि उसमें कोई भी क्रॉस पोलिनेशन वगैरह होने का डर ना रहे। तो एक तो हो गया स्पेस पोलिनेशन, हम लोग भाई स्पेस आइसोलेशन कर सकते हैं हम लोग यूजिंग स्पेस। सेकेंड आइसोलेशन जो हम लोग जनरली यूज करते हैं दैट इज यूजिंग टाइम। हाउ कैन यू वी आइसोलेट यूजिंग टाइम? देखो हर एक क्रॉप का जो होता है एक फेज होता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज, वेजिटेटिव फेज, उस तरह से हम लोग जानते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है हर एक क्रॉप का, वेजिटेटिव फेज होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम लोग मान के चलो कि नॉर्मल जो हमने अपने फील्ड्स में मेज लगाया हुआ है वो हमने अभी लगाया हुआ है सपोज एट मंथ ए, कोई भी एक मंथ ले लो जिसमें मेज लगाते हैं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ क्या होता है कि आप अदर क्रॉप्स को भी इससे समझ पाओ। मंथ ए में हमने मेज लगाया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग क्वालिटी सीड वाले मेज लगा रहे हैं उसको एक मंथ से डिले कर देंगे, विल डिले दैट बाय वन मंथ अराउंड। मंथ बी में लगाया और एक मंथ से डिले कर दिया, किसी भी क्रॉप्स में एक चीज हम कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, डिले करने से इन दोनों की जो भी ये वेजिटेटिव फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है जिसमें पोलिनेशन वगैरह होगा, वो कभी कंसाइड नहीं करेगा, और अगर ये कंसाइड नहीं करेगा तो क्रॉस पोलिनेशन के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। आई होप आप ये समझ पा रहे होगे कि जब भी दो क्रॉप्स को अलग अलग टाइम लगाया जाए तो दोनों के जो भी रिप्रोडक्टिव या वेजिटेटिव फेज होंगे वो अलग अलग होंगे, क्योंकि एक टाइम पे होगा। क्रॉप्स के हमारे एक ही है, पर क्योंकि दोनों को अलग अलग टाइम पे लगा गया है तो दोनों के रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फेजेस विल बी डिफरेंट, जिससे क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा। क्योंकि जब यहाँ पे आपका सीड्स, यहाँ पे जब आपका पोलिनेशन के लिए पोलन ग्रेन्स रेडी होंगे तो यहाँ पे पोलिनेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी ये उस फेज में गया ही नहीं है, और जब तक इसका पोलिनेशन खत्म हो जाएगा तब जाकर के इट विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग पोलिनेशन, तब जाके यहाँ पे क्या होगा कि जो इससे क्रॉस पोलिनेशन इसमें होने के चांसेस थे वो नहीं हो पाएगा। सो दिस इज व्हाट टाइम आइसोलेशन इज, स्पेस आइसोलेशन आप समझिए किस तरह से हर एक क्रॉप से कुछ कुछ डिस्टेंस है, पर अराउंड 200 मीटर आप लेके चलो, जैसे राइस में वगैरह में, वीट वगैरह में भी अराउंड 200 मीटर लेके चलते हैं हम लोग, तो नहीं ध्यान में है तो 200 टू 300 मीटर लिख देना। ठीक है, टाइम आइसोलेशन आप समझ गए। नेक्स्ट आइसोलेशन होता है दैट इज बाय यूजिंग बैरियर्स। इसी तरह के बैरियर्स हम लोग यूज कर देते हैं, हो सकता है फील्ड के आसपास कुछ बैरियर लगा देता कि हमारा जो इसका पोलिनेशन से क्रॉस नहीं कर पाए इस बैरियर को। बट जनरली हम लोग बैरियर थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस्तेमाल करना, इसमें आपको रिसोर्सेज भी लगते हैं, तो जनरली व्हाट वी प्रैक्टिस इज स्पेस एंड टाइम आइसोलेशन, दीज टू आर जनरली प्रैक्टिस। अगर आप नॉर्मल विलेजेज वगैरह में हो, जहाँ पे क्वालिटी सीड प्रोडक्शन हो रही है किसी भी इंस्टीट्यूट या कुछ के द्वारा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि जनरली वो लोग या तो स्पेस आइसोलेशन ट्राई करते हैं या टाइम आइसोलेशन, दीज टू आर जनरली प्रैक्टिस। तो आई होप आइसोलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आइसोलेट करना है। नेक्स्ट हमारा काम है टू सेलेक्ट द सुटेबल फील्ड। नंबर टू, जब भी क्वालिटी सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो फील्ड सिलेक्शन हमारा अच्छा होना चाहिए। जैसे मान के चलो हम लोग मेज का लगा रहे हैं, ठीक है, तो मेज का हम लोग उसी फील्ड्स में लगाएंगे जहां की हम लोग देख लेंगे कि लास्ट ईयर जहां पे मेज का ग्रोथ हुआ है, या सॉरी जहां पे लास्ट ईयर मेज का ग्रोथ नहीं हुआ। मान के चलो कि पांच फील्ड्स हमारे पास, एक फील्ड में हमारे पिछले बार मेज लगाया हुआ था, तो चांसेस है कि मेज के कुछ सीड्स वगैरह इसमें स्प्रेडेड हो जो कि बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग उसी फील्ड को जनरली सिलेक्ट करते हैं जो कि फ्रेश फील्ड हो, जहां पर कि जिसे मेज लगा रहे हैं तो मेज का क्रॉप जनरली ग्रो नहीं हुआ। एक ये फैक्टर ध्यान में रखना। सेकेंडली कि उस फील्ड का ड्रेनेज वगैरह अच्छा हो, ट्रेनेज अच्छा हो, फील्ड में वीड ग्रोथ वगैरह सब बहुत ज्यादा नहीं हो, वीड ग्रोथ की प्रॉब्लम्स ना हो, फील्ड में पेस्ट का पॉपुलेशन वैसा नहीं हो, पेस्ट वगैरह सबके फील्ड में आपको घर से हाउसेस मिल रहे हैं पेस्ट की, वहाँ पे इन्फेस्टेशन दिख रही है किसी भी काइंड की, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग फील्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये सब चीज ध्यान रखना। और सेकेंडली एक चीज, मेन चीज है कि फील्ड जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उससे ध्यान रखना कि हम आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी बगल वाले फील्ड में सिलेक्ट करो जहाँ पे पहले से मेज उगा हुआ है। तो फील्ड सिलेक्शन में ये सारी चीजें को हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या होगा, जब भी हम लोग प्रोड्यूस करने में तो ऑफ टाइप्स यानी अनडिजायरेबल प्लांट्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स को रिमूव कर देंगे, दैट इज ऑफ टाइप्स। जो भी ऑफ टाइप्स है उसको रिमूव कर देंगे। मान के चलो यहाँ पे मेज के फील्ड देख रहे हैं, एक प्लांट आपको ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा डिजीज लग रहा है, थोड़ा ऑफ टाइप है, ऐसा लग नहीं रहा आपको प्रयत्न, मतलब कि उसमें अच्छा कुछ होने वाला है, तो उसको आप रिमूव कर देंगे। ऑफ टाइप सिलेक्शन का अलग मेथड्स उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, बस जनरली जो भी प्लांट ऑफ टाइप है जो अनडिजायरेबल हमें लग रहा है उसको रिमूव कर देंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रगिंग।
तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा अनडिजायरेबल प्लांट है, जो भी ऑफ टाइप है, वो रिमूव हो जाएगा, ताकि आगे चल के हमारे प्योरिटी में कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं हो, क्योंकि जो ऑफ टाइप रहेगा ऑब्वियसली वो ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करेगा, और अगर ये ऑफ सीड्स मिक्स होंगे हमारे जनरल नॉर्मल अच्छे सीड्स में, तो क्या होगा कि हमारी प्योरिटी में डिक्रीज हो जाएगा, तो ये ऑफ टाइप्स को हम लोग हटा देंगे रगी। नेक्स्ट चीज हमें ध्यान रखना है, और ये सारे क्रॉप्स को मैं इसलिए ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ, दीज आर सुटेबल टू ऑल क्रॉप्स, तो इस तरह से आप आइडिया लगा के अपने आंसर्स को अप्रोच कर सकते हो, और सब में ही सेम ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसलिए मैं इस तरह से आंसर्स को अप्रोच करने आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग एंड ड्राइंग। हार्वेस्टिंग समझ लो आप, हार्वेस्टिंग जैसे मेज है, तो मेज की हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, जब हमें देख लेना है कि जो ईयर्स और कर्नल्स है वो ठीक से अब मैच्योर हो गया, मैच्योरिटी पे हमें हार्वेस्ट करना है। सेकेंडली हार्वेस्टिंग के टाइम जो भी हेल्दीएस्ट कर्नल्स है, हेल्दीएस्ट ईयर्स एंड कर्नल्स नीड टू बी केप्ट, बस इसी को भी रखना, और जो जिसकी हेल्थ में अगर 5% भी कॉम्प्रोमाइज आपको लग रहा है तो उनको हमें रिमूव कर देना, अगर लग रहा है कि नहीं ये हेल्दी कर्नल्स नहीं है तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, सो दैट यू कैन डू, जो भी अनडैमेज्ड वगैरह है, डैमेज्ड वगैरह सबको, ये सबको अनहेल्दी है, जो डैमेज्ड है उन सबको रिमूव कर देंगे, ताकि कुछ भी हमारे प्योरिटी पे प्रॉब्लम नहीं है, डैमेज्ड हो, रॉटन हो, कुछ भी हो, अलग जो कि अनहेल्दी हमें दिख रहे हैं उसको हम लोग हटा देंगे, जिसमें आपको इनकेस इंसेक्ट वगैरह का इंफेस्टेशन दिख जाए वो सबको भी हटा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग। ड्राइंग हम लोग ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग सन ड्राई कर रहे हैं तो आवर सरफेस शुड बी क्लीन, सरफेस हमारा क्लीन होना चाहिए, या तो फिर अगर यूज ए क्लीन प्लास्टिक वगैरह, यूज क्लीन प्लास्टिक, उस क्लीन प्लास्टिक को हम लोग बिछा करके उसके ऊपर हम लोग ड्राई करेंगे, तो ड्राई करने में हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे मेज के लिए, हर एक सीड के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है, पर ओवरऑल मैं रहता हूँ मेज के लिए जैसे है कि अवर मॉइस्चर कॉन्टेंट शुड बी लेस देन 12%, ये जो मॉइस्चर कंटेंट है इसको ड्राई करके हम लोग लेस देन 12% कर देंगे तभी जाके इसको स्टोर करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना, मॉइस्चर कॉन्टेंट ड्राइंग का मेन एम यही है। तो हार्वेस्टिंग एंड ड्राइंग में ये कि मेच्योरिटी पे हार्वेस्ट करना है, जो भी डैमेज्ड हमारे क्रॉप्स हैं, चाहे डैमेज्ड ईयर्स हो, कर्नल्स हो, इन केस ऑफ मेज तो उसको रिमूव कर देना है, ड्राइंग में हम इसे क्लीन सरफेस पर ड्राई करेंगे, और जो भी हमारा मॉइस्चर है उसको लेस देन 12% कर देंगे मेज के, हर एक क्रॉप्स के अलग अलग है, बट जनरली इट्स अराउंड 8-12%, किसी किसी में 6% भी है, पर आप 8-12% का एक बेसिक है, ठीक है, 8-15% भी आप रख सकते हैं, तो ये चीज करना है। तो ये सारी चीज हो गई जो आप सब क्रॉप्स में करते हो। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज फील्ड इंस्पेक्शन, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के लिए मेज में हम लोग क्या करेंगे, हर एक क्रॉप में क्या करेंगे, नीड टू डू फील्ड इंस्पेक्शन। जैसे फील्ड इंस्पेक्शन हम दो तीन बार कर सकते हैं, पहली फर्स्ट टाइम तो वी विल डू फील्ड इंस्पेक्शन ड्यूरिंग प्लांटिंग टाइम, फर्स्ट फील्ड इंस्पेक्शन हम लोग कब कर लेंगे, प्लांटिंग टाइम में, जब प्लांट हो रहा है हमारा क्रॉप उसमें हम लोग ये देख लेंगे कि जो जैसे मेज प्लांट हो रहा है तो मेज के जो सीड्स यूज हो रहे हैं ड्यूरिंग प्लांटिंग, दो सीड्स आर फिजिकली एंड जेनेटिकली प्योर, अगर आप सीड्स इम्प्योर यूज करोगे तो ऑब्वियसली हमारा क्रॉप इम्प्योर ही निकलेगा, तो वो हमें ध्यान रखना है कि दीज सीड्स आर फिजिकली एंड जेनेटिकली प्योर। सेकेंड इंस्पेक्शन हम लोग करेंगे, सेकेंड ये फील्ड इंस्पेक्शन की बात करें, फर्स्ट फील्ड इंस्पेक्शन में ये सारी चीजें देख लेंगे, सेकेंड फील्ड इंस्पेक्शन करेंगे हम लोग द वेजिटेटिव ग्रोथ फेज में हो, इसमें हम लोग क्या इंस्पेक्ट कर लेंगे कि हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह सब ठीक है, हमारा जो कुछ भी डिजीज पेस्ट का ये सारी चीज नहीं है, ऑफ टाइप सब सबको रिमूव कर देना है, इसमें हम लोग आइसोलेशन डिस्टेंस चेक कर लेंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस शुड बी गुड, हमारे ऑफ टाइप्स वगैरह सबको इस इंस्पेक्शन में ही रिमूव कर देंगे, इस इंस्पेक्शन से पहले ऑफ टाइप्स शुड बी रिमूव्ड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिजीज नहीं है कहीं, इंसिडेंस पेस्ट इंसिडेंस नहीं अगर है तो इस स्टेज से पहले तक हम उसे रिमूव कर देना है, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इन सेकंड फील्ड इंस्पेक्शन। थर्ड फील्ड इंस्पेक्शन व्हाट वी नीड टू चेक इज कि जो भी ऑफ टाइप्स है वो सब तो चलो रिमूव हो गया, पर ये थर्ड फील्ड इंस्पेक्शन हम लोग कब करते हैं, फ्लावरिंग में, फ्लावरिंग स्टेज में, ताकि हमें देख सके कि कुछ भी पोलिनेशन के टाइम कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो, कुछ भी मिक्सचर्स वगैरह की प्रॉब्लम्स ना हो ड्यूरिंग पोलिनेशन। ये हो गया थर्ड फील्ड इंस्पेक्शन, और फोर्थ फील्ड इंस्पेक्शन हम लोग करते हैं ड्यूरिंग हार्वेस्ट, इसको हम हार्वेस्ट इंस्पेक्शन भी करते हैं, ताकि जब भी हार्वेस्ट हो रहा हो तो उस समय हम लोग ये चीज देख लेंगे कि हमारा सब कुछ अच्छे से हार्वेस्ट हो रहा है, अच्छे से ड्राई हो रहा है। तो दीज आर द फील्ड इंस्पेक्शन वी कैन डू। अदर क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट करें जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, दैट इज हम लोग मॉइस्चर कंटेंट की टेस्ट करते हैं, एक इम्पोर्टेंट टेस्ट जर्मिनेशन टेस्ट जो हम लोग करते हैं कि जो भी हमने मान के चलो यहाँ पे हार्वेस्ट कर लिया सीड्स,
तो उन सीड्स का हम लोग जर्मिनेशन टेस्ट कर लेंगे कि वो सीड्स सही हमने हार्वेस्ट किए या नहीं। तो जनरली जर्मिनेशन टेस्ट में मानते हैं 80% से अधिक है जर्मिनेशन टेस्ट दैट द सीड इज गुड। मेज के लिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है किसी क्रॉप्स के लिए 90 भी हो, पर जनरली हर एक क्रॉप्स की अराउंड 80 होती है, 80 to 90 ही होती है, ठीक है। मेज के लिए 80 हम लोग रखते हैं, अराउंड 80 to 90 हर एक की होती है। अगर 80% से कम है हमारा जर्मिनेशन टेस्ट में परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन, तो दैट इज कि हमारा ठीक से क्वालिटी सीड प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो जर्मिनेशन टेस्ट इज अनदर फैक्टर विच वी नीड टू डू। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो क्या क्या चीज करना है, सबसे पहले आइसोलेशन पे हमें ध्यान रखना है कि आइसोलेशन अच्छे से हो, ठीक है। सेकेंडली फील्ड सिलेक्शन अच्छे से हो, जो भी ऑफ टाइप्स है उसको रिमूव कर देना है। हार्वेस्टिंग अच्छे से हो, ड्राइंग अच्छे से हो, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट सारे अच्छे से हो। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द टेक्निक्स और यू कैन से टेक्नोलॉजीज वी नीड टू अडॉप्ट इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, चाहे वो किसी भी क्रॉप में हो। तो इस तरह से आप एक ओवरऑल अप्रोच कर सकते हो अपने आंसर्स को कि किस तरह से क्वालिटी सीड प्रोड्यूस किया जाए, चाहे किसी भी क्रॉप में। मैच को लेकर मैंने बताया एक ओवरऑल, पर जो पॉइंट्स है आपने देखा कि सारे मैंने कॉमन पॉइंट्स बेसिक पॉइंट्स लिए थे जो आप किसी भी क्रॉप में यूज कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच योर आंसर्स। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और जो भी चीजें इसमें ऐड करना है लेट अस नो बाय कमेंटिंग, कमेंट करके हमें बताएं कि मैं अपने आंसर्स में ये भी ऐड करना चाहता हूं, ताकि मुझे हमें पता चल पाए कि यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक इट सो प्लेस द राइस, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है कि हम और वैसे वीडियोज आप सबके लिए रेगुलर बेसिस पे बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।